कांग्रेस के नेता हो, मैं कमी ना हूं। तुम से दो ऐसे कमलनाथ, कर्जा माफी की बात आदरणीय सिंधिया जी ने यहां कही है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 0% ब्याज पे ये कमीना कर्जा देता था, तुमने बंद करके 18% कर्जा कर दिया, 18% ब्याज कर दिया। हम किस चीज का उत्सव मना रहे हैं? सौदेबाजी का, बिकाऊ का, ये उत्सव हम मना रहे हैं आज। हम कहां ढकेल रहे हैं अपने प्रदेश को? अगली दफे तो गांव में सरपंच चुनना है तो बोली बोल लेना। उपचुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में दोनों ही दलों के दिग्गज पूरी ताकत से मैदान में पसीना बहा रहे हैं। अंतिम दौर के रणघोष में एक दूसरे पर कड़े प्रहार भी हो रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत हमले और एक दूसरे के घपले घोटाले भी गिनाए जा रहे हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की नाकामियों को उछाल रही है, वहीं अंतिम चरण के प्रचार में कांग्रेस भी बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रही है, जिसमें पिछले 15 साल के कार्यकाल के साथ 7 महीनों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए तो दूसरे दिन बीजेपी ने पलटवार किया कि भारतीय जनता पार्टी की ये षड्यंत्र कूट रचित सरकार जो बनी है उसका एक ही उद्देश्य है, घोटालों का। आपने इस प्रकार के आरोप भी लगाने का प्रयास सरकार पर किया है? अगर सहरिया जनजाति के लोगों को 1,000 रुपए सरकार देती है तो आप कह रहे हैं कि घोटाला हो गया है? जरा बताइए जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि केवल लिख देने से घोटाला होता है? बल्लभ भवन में या तो बैठ करके सारा रात के या तो दलाली का अड्डा बना करके बैठे थे, या इंदौर के अंदर आयफा राट करके आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे थे? ना आपको कोरोना से लेना देना था, ना मध्य प्रदेश की गरीब जनता। एक दूसरे पर आरोप अपनी जगह है, लेकिन 28 सीटों के ये चुनाव एक पार्टी के सरकार में बने रहने और दूसरी पार्टी की सरकार में वापसी तय करने वाले हैं। इस चुनाव में कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा है। वो जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और वो जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर अंतिम चरण के रणघोष के बीच जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये 3 नवंबर को EBM में बंद हो जाएगा और 10 नवंबर के परिणाम के साथ ये साफ हो जाएगा कि MP में किस पार्टी का सिक्का चलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अंतिम दौर का रणघोष, जय घोष कह लीजिए, रणघोष कह लीजिए। जो युद्ध भूमि से आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत साफ हैं, यह आवाज़ें आपके हमारे सामने भी हैं, और इस आवाज़ में कांग्रेस का आरोप ये है कि बोली लगाई गई है सत्ता के लिए। कमलनाथ अपनी हर सभा में कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये क्रम चलता रहा तो आगे पंचायत चुनाव में भी यही होगा और तमाम चुनाव में यही होगा और बोलियां लगेंगी। और बीजेपी का ये कहना है और ये आरोप कांग्रेस पर है कि हमने सत्ता के लिए, सत्ता के नैतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर रही थी। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल, मंत्रालय की जो 5वीं मंजिल है, बीजेपी का गंभीर आरोप है कि वो मंजिल एक तरह से ब्रोकर्स का एक सेंटर पॉइंट बन गई थी और ट्रांसफर उद्योग एक बड़ा उद्योग बन गया था और मध्य प्रदेश में विकास के तमाम काम ठप पड़ गए थे, और इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जनता को उसके हितों की रक्षा के लिए हम आ गया है। तो एक तरफ जहां सत्ता के लिए बोली लगाने का आरोप है कांग्रेस का, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप जो युद्ध भूमि से, रणभूमि से आ रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई। अब जनता इन दोनों ही दलीलों से कितनी मुतासर होती है, कितनी प्रभावित होती है, और वो किसके मर्म और सत्य को अपना भी सत्य मानती है, ये तो 3 नवंबर को उसका मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद होगा मत के रूप में, और 10 नवंबर को जब EVM मशीन्स खुलेंगी, मतपेटियां पहले खुलती थी, EVM मशीन भी खुलती हैं, और उनसे जो जनादेश निकलेगा वो हमें बताएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का, मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि अब तक का 1956 से लेकर अब तक का ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है जो दोनों राजनीतिक दलों की दशा, दिशा
और उनकी भावी नेतृत्व की तैयारियों को तय करेगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खूब कलम चलाने वाले चुनाव संबंधी इस विषय पर जगदीश द्विवेदी जी हैं। गंभीर मुद्रा है, यानी वो भी लोकतंत्र और इसके चिंतन में डूबे हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं जगदीश जी आपका। हमारे साथ हैं के मिश्रा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, और ग्वालियर में खूटा डाल कर बिल्कुल एकदम बैठे हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनका स्वागत। और बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हैं, जो भी इस पूरे युद्ध भूमि में ऐसे इन्वॉल्व होते चले गए कि उनका विनम्र और मुस्कुराता चेहरा, तनाव में तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन तल्खियों में जरूर जाता हुआ दिखा, जो ये बताता है कि ये रण कितना गंभीर है। सबसे पहले जगदीश जी की एक टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ जी पर हमले की जो प्रक्रिया है ये निरंतर जारी है, और कुछ देर पहले बंसल न्यूज से बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, इसको और सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शायद ये पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे देश का जो 15 महीने के अंदर 114 विधायकों में से 26 विधायकों का विश्वास सुरक्षित न रखा पाए हो, मतलब कि 28% परिवार के सदस्य उन पर अविश्वास प्रकट करते हैं, शायद ये पहला मुख्यमंत्री हो। इसी से उनकी कार्यपद्धति, उनकी कार्यशैली, उनकी दिल की भावना प्रकट होती है कि किस तरीके से वे केवल अपने बारे में सोचते थे और ना विधायक के बारे में, ना मंत्री के बारे में, ना कार्यकर्ता के बारे में, और आखिरी जनता के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं थे। कभी वल्लभ भवन के एयर कंडीशन के दरवाजे से बाहर नहीं निकले, कभी गाड़ी से दौरा नहीं किया, ऐसा कोई। तो ये एक और बड़ा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से है। एक तरफ जहां कांग्रेस के हमलों का केंद्र बिंदु शिवराज जी हैं, वहीं पूरी बीजेपी एकजुट होकर कमलनाथ की घेराबंदी में जुटी हुई। जगदीश जी, आपने सुनी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी ये टिप्पणी, पूरे मामले में युद्ध भूमि से जो आवाजें आ रही हैं वो क्या संदेश लेकर आ रही हैं, क्या कह रही हैं? जी जगदीश जी। सर जी, शरद जी, पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश में पिछले 22 महीने पहले, आप लौटिए 22 महीने पहले भी जब चुनाव हुए थे, जिनको विधानसभा के जो आम चुनाव थे, तो विधानसभा के आम चुनाव में भी जनता ने पूर्ण बहुमत किसी को नहीं दिया था। अगर कांग्रेस ये कहती है कि उसको पूर्ण बहुमत मिला था, तो कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी भी और कांग्रेस में केवल महज 4-5 सीटों के अंतर से सारा का सारा मामला, कांग्रेस थोड़ी से आगे थी, बीजेपी थोड़ी से कम थी। लेकिन इसके उलट एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, अगर ये चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव के लिए कांग्रेस आरोप बीजेपी पे जो भी लगाए, लेकिन फिर मैं बार बार ये कहता हूं कि इस चुनाव के बाद परिणाम क्या होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर्फ नेतृत्व को आत्ममंथन की जरूरत मैं महसूस करता हूं, आत्ममंथन करना चाहिए। सिंधिया जी की मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 28% विधायकों का विश्वास आपने खो दिया, उसके कारण क्या थे, उसके भी पार्श्व में जाना होगा, ऐसा क्यों हुआ उसके पार्श्व में भी जाना होगा। सिर्फ एक नेता पर आरोप लगा देने से मामले का पटाक्षेप नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो जिस तरह से कांग्रेस के विधायक वो कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ये एक इस पे बहस हो सकती है, इस पे विवाद हो सकते हैं, लेकिन विधायक आ रहे हैं। और अभी जो बीच चुनाव में जिस तरह से राहुल लोधी आए, कहीं ना कहीं बीच चुनाव में उनका आना कांग्रेस के लिए मैं झटका मानता हूं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है, जो कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव में लगा है, जिसको आप बहुत सारी बातें करके मैदान में उतारते हो, कोरोना काल में भी कार्यकर्ता को उतरना महत्वपूर्ण है, उसमें कहीं ना कहीं निराशा का भाव जन्म लेता है कि आखिर पार्टी में ये सब हो क्यों रहा है, इसको रोकने की कोशिशें क्यों नहीं हो रही है। एक बार जब 20 विधायक गए थे, उसके बाद से कोई डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कोई रणनीति नहीं बनी, या अब कोई रणनीति नहीं बन रही है, या बीच में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें इस चुनाव के बाद उठेंगी। और मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि बाद में नेतृत्व की भी दिशा और दशा तय होगी कि किस पार्टी में लीडर कौन बनेगा, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2,
सारी चीजें चुनाव तय करेगा, क्योंकि ये चुनाव आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12-15% सीटों पे चुनाव हो रहा है शरद जी। तीसरी चीज बिल्कुल, एक चीज और कहकर मैं अपनी बात रोकूंगा, ये इस चुनाव का जो परिणाम है, निश्चित रूप से बीजेपी अपने आप में कंफर्टेबल है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नेताओं का वजन तय होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वजन तय होता ही है। जब युद्ध वाटरलू की तरह होता है या हल्दी घाटी की तरह होता है, तो वहां निश्चित तौर पर जो नेतृत्व करता है उन सब का वजन तय होता ही है। के मिश्रा जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर रजनीश जी की तरफ चलूंगा। जी, आप किस तरह देखते हैं और युद्ध भूमि से जो हुंकारें आ रही हैं योद्धाओं की, किस तरह देखते हैं आप उनको? जी मिश्रा साहब। सर जी, जी देखिएगा, जो तस्वीरें सामने हैं, और मैं बार बार यही कहता हूं कि यह चुनाव इस प्रदेश की दिशा और दशा, लोकतंत्र के सम्मान और मतदाताओं के वोटों का सम्मान, उनकी दिशा को तय करेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश जिन ख्यात नेताओं के चरित्रों के नाम से जाना जाता है, जहां राजनीतिक सामंजस्य, भाषा शैली, एक दूसरे के प्रति सम्मान, उनकी विद्वता जो पिछले चुनाव में दिखाई देती थी, वो राजनीतिक मंडी के साथ भाषाई मंडी में भी तब्दील हो चुकी है। तो मतदाताओं को यह तय करना है जी कि यह चुनाव जहां लोकतंत्र की दिशा देगा, वहीं राजनेताओं के स्तर और उनकी मना स्थिति का भी आगाज कर रहा है कि भविष्य की राजनीति इस प्रदेश के लिए कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस स्तर के राजनेता होना चाहिए और उनकी बौद्धिक ऊंचाई क्या होनी चाहिए, और उसका फैसला 3 तारीख को होगा। जी जी, ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है मिश्रा साहब, और मैं इस मामले में बिल्कुल इत्तफाक रखूंगा आपसे कि इस युद्ध भूमि के बाद जो तथाकथित नैतिक और अनैतिक पक्ष हैं उस पर भी ठहर कर बात होगी, और हम ठहर कर देख पाएंगे, और कई नेताओं का कद उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से और राजनीति की उनकी शैली से तय होगा निश्चित तौर पर। रजनी जी, आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए, पहली बात तो जो सिंधिया जी का आपने वो हिस्सा इतना दिखाया इंटरव्यू का, और जगदीश जी ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कमलनाथ जी की सरकार चलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी चलाने की जिम्मेवारी पीसीसी अध्यक्ष के नाते कमलनाथ जी की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी? सरकार आपकी, विधायक आपके, संचालन का जिम्मा आपका, गवर्नेंस देनी आपको, आरोप लगा रहे हम पर, परिवार टूटा आपका, आरोप लगा रहे हम पर। तो आप परिवार को चेतना के भाव से नहीं जोड़ पाए, आप परिवार में जो सामंजस्य समन्वय की बातें कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाए जी। आप सिंधिया जी पर आरोप लगाते हो, सिंधिया जी के समर्थक बिसाहूलाल जी आप मीडिया के लोग तो नहीं बताते, एंदल सिंह कसाना जी का नाम तो नहीं लेते, नारायण पटेल जी का नाम तो नहीं लेते, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी का नाम तो नहीं लेते कि सिंधिया जी के समर्थक कहे जाते रहे हैं। आप मीडिया के, मैं जो पढ़ता हूं, मैं तो पीसीसी कार्यालय गया नहीं, लेकिन वो जो बताते हैं उनमें सुमित्रा जी का नाम तो नहीं लेते, हरदीप डंग जी का नाम तो नहीं लेते, पर इन्होंने क्यों छोड़ी? ये तो दिग्विजय सिंह जी के भी समर्थक कहे जाते हैं, जो बातें कहीं, जो आरोप लगाए हुए साहूलाल जी ने, उसका उत्तर आज दिनांक तक नहीं आया। उन्होंने तो राहुल गांधी जी से मुलाकात का जिक्र भी अपने मीडिया के सामने किया था, उत्तर नहीं आया। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, विधानसभा भी छोड़ी और जनता में वापस जाना तय किया, ये नैतिकता है या अनैतिकता है? कि हम जनता से चुन के आए थे और अगर हम कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं तो जनता में फिर जाएंगे, जनता से फिर आशीर्वाद मांगे, जनता आशीर्वाद देगी तो हम चुन के आएंगे, तब भाजपा में आए, भाजपा में पूर्व विधायक आए, वर्तमान विधायक नहीं आए, और जनता में जाना उन्होंने तय किया। अब जनता में मुद्दों पर बात कर रहे हैं, विकास पर बात कर रहे हैं, योजनाओं पर बात कर, आप करिए, गाली गलौज पर बात किसने, और गाली गलौज आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, या मैं क्या कर रहा हूं? रजनीश अग्रवाल गाली गलौज देता है क्या? रजनीश अग्रवाल अपमानजनक अभद्र भाषा का उपयोग करता है? सवाल ये है मिश्रा जी, सवाल ये है कि आप कैसी भाषा बोलते हो? चलिए जवाब ले लेता हूं, आपने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं रजनीश जी, आपने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहले तो अपना घर संभालने की बात है कि आप अपने परिवार में एक अपनी चेतना को लेकर के आगे बढ़ पाए, पहला प्रश्न ये है, और फिर सवाल ये है कि क्या आप किसकी बात कर रहे हैं, ये भी शायद वो प्रश्न उठाते हुए। रजनी जी एक बार और स्पष्ट कर दीजिए अपनी उस बात को जो आप भाषावली, शब्दावली या इस चुनाव में कार्यशैली जो नेताओं की है
उसकी तरफ आप सवाल, तो इन दोनों के जवाब में मिश्रा जी से लेने जब का मैं सवाल उठाऊं रजनीश अग्रवाल करके भाजपा का प्रवक्ता करके, और जब मैं कहूं अभद्र भाषा का उपयोग हुआ, अपमानजनक भाषा का उपयोग हुआ है, तो जनता पूछती है रजनीश अग्रवाल कैसा बोलता है, किसी के प्रति अपमानजनक गाली गलौज की भाषा बोलता है क्या? और अगर मैं खुद बोलता हूँ और दूसरे को कटघरे में खड़ा करता हूँ जी, तो जनता कहेगी ये सब एक ही थैली के चट्टे। मिश्रा जी दोनों बातें आपने सुनी जी, आपका संक्षिप्त जवाब, फिर जगदीश जी की तरफ चलूंगा मैं। जी मिश्रा जी, जी शरद जी, नैतिकता का पाठ रजनीश जी ने बड़ा खूबसूरत ढंग से पढ़ाया है। और सरकार क्यों गिरी, उसका दोष किन पर मढ़ रहे हैं, मैं बड़ी शिद्दत से उनसे पूछना चाहूंगा कि मैं तो अभी दीपावली शायद 13, 14, 12 कौन सी मैं कैलेंडर अभी देख नहीं पाया हूँ। आपने तो मार्च में ही महालक्ष्मी प्रसन्न करवा दी, दिवाली पहले मनवा दी लोगों की। सरकार इसलिए गई है, अपनी अंतर आत्मा को कसोड़ते हुए कभी पूछिएगा कि एक ऐसी सरकार, मैं मानता हूं कि जनादेश स्पष्ट नहीं था, मगर उसका फायदा किस ढंग से राजनीतिक व्यवसायिक नेताओं ने उठाया है, जमीन के सौदागरों ने निपटाया है। वो 3 तारीख का फैसला जो आएगा, रजनीश जी आप देखिए, हम लोग तो अस्ताचल की ओर हैं, धीरे धीरे आप लोगों को राजनीति के मूल्यों को संभालना है इस मध्य प्रदेश में। आप खुद देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह की राजनीति पसंद करती है, किन चेहरों को पसंद करती है। भाषण पेट नहीं भरता है किसी का, अंदर आकर चरित्र देखिए कि सोकाल जो खूबसूरत दिखने वाले चेहरे हैं, वो अंदर से उनके दिलों में कितना पाप भरा हुआ है, उनके लोकतंत्र के प्रति आस्था कितनी है, जनता के प्रति उनके समर्पण कितना है। जब आप अंदर जाकर देखेंगे ना, तो आप इन बातों को कहना भूल जाएंगे भविष्य के लिए। आज जो कह रहे हैं वो आपको अच्छा लग सकता है, मगर भविष्य रजनीश जी आपको भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप युवा तुर्क हैं, आपको भी माफ नहीं करेगा। रजनीश जी देखिए, पहली बात ये, किसी को भूखा नंगा कहकर अपमानित करने की बजाय, तंज और व्यंग कसने की बजाय, भूखे नंगों को लेकर योजनाएं कौन सी चलाई, कार्यक्रम कौन से चलाए, कोरोना काल में हमने क्या किया, क्या हमारे संगठन ने किया, ये मुद्दा बनाते ना, ये मुद्दा क्यों नहीं बने? हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करें बजाय इसका का महिला सशक्तिकरण को हम मुद्दा बना दें ना, चर्चा हो जाए महिला सशक्तिकरण पर किसने क्या किया। उसी मुरैना जिले में लिंग अनुपात देश का सबसे बिगड़ा हुआ था। चौहान जी के मिश्रा जी, मैं बीच में नहीं बोलता, क्षमा कीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बात कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। बुद्धि के विंध्या चले उनको समझाइए ना कि वो कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। रजनी मैं बोल लूं अनुमति हो तो? जी बिल्कुल बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मुरैना में देश का सबसे बिगड़ा हुआ लिंगानुपात था, शिवराज जी के शासन में वो लिंगानुपात ठीक हुआ। काश आप उस पर बात कर देते महिला सशक्तिकरण के नाते, अधिकारों पर, उनके चिंता, उनके सम्मान की सुरक्षा पर बात करते, मुद्दा बनाते, लेकिन आपने दलित महिला का अपमान किया, जिसे राहुल गांधी से लेकर निर्वाचन आयोग ने गलत ठहराया। तो मेरा कहना यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय मुद्दों की बात, विचारधारा की जो बार बार दुहाई देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, कि आपकी विचारधारा तमाम मुद्दों पर क्या है, मुद्दों की बात, मुद्दों की बात, मुद्दों की बात की सवाल है। जगदीश जी, मैं एक सवाल और लेके आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये बताइए कि ये चुनाव तो अब हम बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, और 3 नवंबर को मतदान और 10 को नतीजे होंगे। कांग्रेस को जो सीखना होगा और बीजेपी को भी सीखना होगा कुछ चीजें, और वो इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है जो जनता की होगी वो बताएगी। लेकिन क्या आप देखते हैं कि हमने महाराष्ट्र में देखा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं तड़के, लेकिन उसके बाद भी वहां सरकार नहीं बन पाती, और उसका कारण माना जाता है एक वेटरन लीडर को जो एनसीपी से आता है, नाम है शरद पवार। अगर बात करें पड़ोसी राजस्थान की, तो वहां भी बड़ा बड़ा विवाद होता है, टर्मोइल होता है, ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल गिरने की कगार पर है और फिर संभाल ली जाती है। मध्य प्रदेश में क्या ऐसे फिनिशर, हालांकि दिग्विजय सिंह एक अनडाउटली कोई डाउट नहीं है कि बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं राजनीति के, मध्य प्रदेश में कुछ चूके हैं जो कांग्रेस को काफी परेशान करेंगी, कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ बीजेपी के लिए भी ये चीज है कि उसने जो ये सरकार बनाई है वो ये जनादेश भी हमें बताएगा कि जनता क्या सोच रही है उसको लेकर, और आगे के लिए उसके नैतिक पक्ष को लेकर भी जनता बहुत मजबूती से सोच रही है क्या, और क्या सकारात्मक ही सोच रही है, ये फीडबैक भी उसके लिए 2023 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जगदीश जी, जी दोनों सवालों पर आपकी राय। जी जी, एक तो शरद जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी के नेताओं से कि
सियासत बिल्कुल में इस बात पे होना है कि सियासत मुद्दों पे होना चाहिए, नीच नालायक कमीना रावण अहंकारी दंभी इन शब्दों का प्रचार में कोई स्थान क्यों होना चाहिए? ठीक बात। क्यों हम जो है किसी पर इस तरह के आरोप लगाएं? अगर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं को छोड़ दो आप। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बीजेपी के जो नंबर दो के नेता हैं, कई प्रत्याशियों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। मान लीजिए कि कमलनाथ जी ने इमरती जी के बारे में जो कुछ भी कहा उसके बाद इमरती जी ने जो कहा वो ठीक थोड़ी है भाई। आप क्या इस तरह पत्रकार करेंगे? आपकी बड़ापन तरीका जब उसका आप प्रतिकार ना करते उतने तरीके से। उन्होंने भी बिसाहूलाल जी ने बहुत ऊटपटांग तरीके के रखेल कहा किसी की पत्नी को, वहां पे गिरिराज दंडौतिया ने कहा कि उनकी लाश चली जाती वापस अगर वो वहां जाए, इस तरह की बात करते। राजनीति में अगर हम सुचिता की बात करते हैं तो सुचिता दोनों दलों को रखना चाहिए। और तीसरी चीज जो आपने कहा कि एक इसमें पहले सवाल, दूसरा सवाल ये कि जो आप कह रहे हो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र के महापर्व को राजनीतिक दलों को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ये तमाशा बन रहा है, चुनाव को आपने तमाशा बना के रख दिया है। रोज नए नए शब्द आ रहे हैं, विकास खत्म है, ये तमाशा मत बनाइए। राजनीति में अनास्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, युवाओं का विकर्षण हो रहा है राजनीति से, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आप राजनेता होके आधा आचरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हो लोगों के सामने। आप लोगों को शकुनी मामा और आपकी माँ बहन आइटम होंगी, इस तरह की बातें होंगी राजनीति में। ये राजनीति का कल्चर इस प्रदेश का कभी नहीं था, मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं था। बहुत अच्छी आचार मतलब आचार विचारों से यहाँ राजनीति हुआ करती थी, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है कांग्रेस आरोप लगाती है बिकाऊ टिकाऊ गद्दार खुद्दार सारे शब्द चुनावी दौर में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्यों इस पे विचार नहीं होना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल पर कोई रणनीति क्यों नहीं बन रही है? ये बड़ी और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर परिवार का मुखिया जब तक सबको बैठ के सबको साथ में लेकर नहीं बैठेगा, सबसे बात नहीं करेगा, ठीक है जी कैमरे के सामने, कैमरे के सामने बहुत सीनियर लीडर है के मिश्रा, मेरे बहुत बड़े भाई जैसे हैं, अच्छे मित्र भी हैं, कैमरे के सामने वो स्वीकार ना करें, लेकिन अंतर मन में कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बात हुई इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से हमें बैठना था, जिस तरह से हमें परिवार के साथ चलना था, शायद हम नहीं चल पाए, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को जो उसमें दो लोग तीन लोग चार लोग बीजेपी में जैसे तीन चार लोग हैं लीड करते हैं, उन लीडरों को बैठना चाहिए। और जब तक समन्वय और संवाद दोनों चीजें नहीं होंगी कोई भी पार्टी आगे नहीं जा सकती। शरद जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो कहीं ना कहीं युद्ध भूमि से जो आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों के साथ ये बिल्कुल सही बात है कि रजनीश जी यहाँ बैठकर एक प्रखर प्रवक्ता हैं, वो के मिश्रा जी की तो बात ही अलग है, मैं सहमत हूँ जगदीश जी, लेकिन ये दोनों राजनेता जो वरिष्ठ पीढ़ी से और युवा पीढ़ी से हैं ये ना दंडौतिया जी की जिम्मेदारी ले सकते हैं ना बिसाहूलाल जी की जिम्मेदारी, कैसे लेंगे? कितने अब इतने उम्र में इनसे बड़े नेता 30-30, 40-40 साल का राजनीतिक जीवन, और यही चीज़ के मिश्रा जी से है। अगर उनके किसी दिग्गज बड़े नेता से कोई चूक हो जाती है के मिश्रा जी उसके लिए यहाँ कैसे बात करेंगे? लेकिन ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। रजनी जी एक छोटी टिप्पणी। देखिए बिल्कुल है, और मैंने इसीलिए कहा जब बड़े गलती करते हैं तो छोटा उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए छोटों से गलती तो माफ़ की जा सकती है, समझाया जा सकता है, हिदायत दी जा सकती है, लेकिन जब बड़े गलती करें तो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कम से कम बड़े नेता बचना चाहिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने से। के मिश्रा जी आपने सुनी रजनीश जी की दो टूक बात कि बड़े दिग्गजों को तो बचना चाहिए कम से कम, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहेंगे आप? बड़े सवाल जगदीश जी ने भी रखे हैं, मेरी तरफ से भी कुछ बातें उठी हैं और आपके छोटे भाई रजनीश जी ने भी कुछ बातें रखी हैं। जी अमित शाह साहब जी सर जी देखिए रजनीश जी ने जो कही है बात उसमें थोड़ा वो संकोच कर गए हैं। मैं स्पष्टता कहना चाहूंगा और अपनी पार्टी से निवेदन करना चाहूंगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे व्यक्तित्व या मेरे कृतित्व या मेरी भाषा को पूरे प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के नेताओं को भी बड़े साहस से कहना चाहूंगा कि शाब्दिक दरिद्रता का परिचय राजनीति में शोभायमान नहीं होता है। यदि वो बोलते हैं तो मैं उनके भी खिलाफ हूं। जी 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 बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है निश्चित तौर पर। राजनीति में सच बोलने का साहस होना चाहिए, बिल्कुल होना सच बोलने का साहस होना चाहिए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है मिश्रा जी की, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, इस तरह की बात नहीं है। आप ही की पार्टी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते
उन्होंने अपने गुरु जो दूसरी पार्टी के थे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से पूछकर उनकी पार्टी का यानी एक भिन्न पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया था जो प्रतिद्वंदी पार्टी थी, और इसके लिए उस मुख्यमंत्री ने दो दिन की छुट्टी ली थी और एक रेस्ट हाउस में बैठकर अपने गुरु को ट्रिब्यूट दिया था। राजनीति का मतलब एक दूसरे का गला काटना नहीं। कमलनाथ जी और शिवराज जी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के परिवार की वेलबींग के बारे में पूछते हैं, लेकिन सत्ता के लिए ये 15-20 दिनों में जो कटुता जनता के सामने प्रकट हो जाती है ये कटुता अच्छा संदेश नहीं देती है, और आपके स्वस्थ रिश्तों के बीच में भी ये एक हलचल मचा देती है, एक खलबली मचा देती है। जगदीश जी बहुत कम वक्त है मेरे पास लेकिन 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी जी। हाँ बोलिए बच्चा जी, एक सेकंड बोलिए बोलिए सर बोलिए बोलिए जी, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट में बात करना चाहूंगा। देखिए शरद जी, इस चुनाव में नेताओं के पुत्र दिखाई दे रहे हैं, शिवराज सिंह जी के बेटे दिखाई दे रहे हैं, गोपाल भार्गव जी के बेटे दिखाई दे रहे हैं, कमलनाथ जी के बेटे दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे दिखाई दे रहे हैं। जब ये लोग इस भाषाई दरिद्रता को देखेंगे, जो लोग भविष्य के संकेत हैं, तो उन पर क्या बीतती होगी, बिल्कुल सहमत, हम लोगों के प्रति क्या आदर भाव रखेंगे, सोचने की सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत जी। जगदीश जी, जगदीश जी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में सर जी। लेकिन मिश्रा जी, ये पैराशूट से लैंडिंग है ये राजनीति में, इससे सहमत हैं क्या आप? चलिए ये एक अलग, इसके लिए एक अलग आधे घंटे का समय रखते हैं। निर्वाचित होके आए हैं जी, बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ मुझे लगता है कम से कम उनके बारे में तो ये प्रश्न खड़ा करना जनता की दृष्टि से कितना उचित और अनुचित है ये डिबेटेबल इशू हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जिसका निर्वाचन है उसकी जय है क्योंकि वो जनता की जय है, इसलिए कम से कम जनादेश के उस पक्ष को तो हमें सर माथे लेना ही होगा। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद रजनी जी, और बड़ा ही सकारात्मक बातचीत रही है, कहीं इसमें कटुता और विद्वेष नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सभी प्रतिभागियों की तरफ से जो बात हुई है वो मेरिट के आधार पर हुई है, गुण दोषों के आधार पर हुई है, और यही अपेक्षा हमारी राजनीतिक दलों से भी है कि क्योंकि वो ठीक रहेगा तो टेलीविज़न के स्टूडियो ठीक रहेंगे, यहाँ भी थोड़ी बहुत चीख चिल्लाहट हो जाएगी लेकिन गरिमा बनी रहेगी ये विश्वास तो, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा इस तरह की चीज़ ही चलेगी सर। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, नमस्कार।